यानी भाई ये सेंटर पॉइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुबान फिल्म से आप? मुझे थ्रिलर बहुत चल रहा है, मैंने मिसाल नहीं किया, मतलब विकी कौशल ऐसा लगता है कि पिछले बहुत सालों में बहुत कम एक्टर्स ऐसा होता है जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं पहले कुछ फिल्मों में, तो मैंने उनसे बात भी करी थी मिसाल देखने के बाद, तो इसे मैं विकी कौशल के लिए क्या कहना चाहेंगे आते मेरे कहने का इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं, जब मैं आया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे सपोर्ट मिले, तो जितना हो सके मैं अपने दोस्तों को सपोर्ट करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम सारे नए जो एक्टर्स हैं हमने को हम बाहर की फिल्में देखते हैं अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हम खुद फिल्म बनाने वाले होते हैं तो हम थोड़े से डरे हुए होते हैं, इन द सेंस ऑफ जो चलता है वही बनाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम और जिस तरीके से होता है पिछले 2-3 साल में हो रहा है कि सारे जो नए बेहतरीन एक्टर्स हैं तो वो अलग अलग कैरेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग फिल्म ट्राई कर रहे हैं, तो आई थिंक ये हम सबका हम सबके भी क्षमता को इम्प्रूव करेगा और ऑडियंस का भी टेस्ट इवॉल्व करेगा। जी जी एक्साइटमेंट तो मेरे साथ था, तब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, पर हमने शूट करी है जितना हो सकता था मैंने कर दिया है, तो अब तो सेटिस्फैक्शन है, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुत जल्दी टीजर आएगा, फिर ट्रेलर आएगा 2 सितंबर को फिल्म रिलीज है, तो आई होप कि जितनी मेहनत हम लोगों ने की है उतना ही लोगों को पसंद भी आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे नहीं, 2-3 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आप क्या समझ पा रहे हैं कैरेक्टर को, दूसरी बात जब आप इतने काबिल डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं नीलेश पांडे जैसे डायरेक्टर के साथ, तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो डिसअपॉइंट ना हो आपसे, और तीसरा जब आप किसी ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं जिसको पूरी दुनिया पूरा देश इतना प्यार करता है, तो आप डरे हुए होते हैं कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, और ख़ास करके जब वो अपनी फिल्म देखें मेरे को देखें और सोचें कि ये मैं हूँ, तो वो डिसअपॉइंटमेंट फील ना, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, लेकिन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शूट एंड टिल द टाइम ऑफ शूटिंग आप कोशिश करते हैं कि आप ये सब के बारे में ना सोचो। पांडे सर कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का, इतने कामयाब डायरेक्टर और उनके साथ काम करने का, दैट टू इन अ बायो बिग नो? जी मुझे ऐसा लगता है कि हम जनरली कुछ भी काम करते हैं तो बहुत सारी थाट्स हमारे दिमाग में आते हैं और बहुत से थाट्स जो होते हैं अननेसेसरी होते हैं। मुझे ऐसा लग ये एक्सपीरियंस हुआ नीरज सर के साथ काम करके कि किस तरीके से उन सारे थाट्स को अवॉइड किया जाए और कैसे क्लैरिटी रखते हैं और कैसे फोकस रखते हैं, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। आई होप कि वो सब कुछ ट्रांसलेट हो फिल्म में। आखिरी सवाल, कीर्ति सनम जो फिल्म आ रही है दिनेश विजयन की, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, कब रिलीज होगी? मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, स्क्रिप्ट तो इतनी कमाल की है कि 1.5 साल से जब से मैं धोनी प्रिपेयर कर रहा था उसके पहले मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी थी और अभी तक उतने ही क्या कहते हैं पैशन के साथ मैं वेट कर रहा हूँ कि फिल्म का फ्लोर पर जाएगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती हैं स्किल्स के मामले में, वो सब वगैरह जी हाँ, वो सारी सारी चीज़ें वो सब पे भी काम चल रहा है और इस महीने आखिर में हम ऑन फ्लोर जा रहे हैं, तो होपफुली मज़ा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। फॉर मोर न्यूज़ एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।